Hello everybody, welcome back. So today I'm going to talk about something which is very recent in India these days. It is the rape cases which is increasing day by day. Itne sare laws aur itne sahi laws hone ke baad bhi, do you think it's being implemented? It's not. And that is the reason कि जो रेपिस्ट है दे आर मूविंग फ्रीली ओवर द कंट्री एंड वी एज वुमेन्स आर नॉट सेफ. आपको पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है इन लॉज के इम्प्लीमेंट नहीं होने का? व्हेन यू गो टू कोर्ट्स एंड यू विल सी द केसेस विच आर फाइल्ड अबाउट रेप, यू विल कम टू नो कि ऐसे भी विक्टिम्स हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं जो फेक फॉल्स केसेस करती हैं लोगों पे, विच इज़ सो बैड कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं कि इफ़ शी इज़ अ विक्टिम और नॉट. दे फाइल फेक केसेस इन कोर्ट्स. अब आपको एक मज़े की बात बताती हूँ. आपको तो पता ही होगा कि अगर किसी मेंबर के ऊपर कोई केस है जो किसी केस में इन्वॉल्व है, तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs या मिनिस्टर्स की पोजीशंस या सीट्स नहीं दी जाती है. इट्स अ लॉ, बट स्टिल हमारी कंट्री में दी जाती है उन्हें सीट्स. अगर देश को चलाने वाले ही इन रेप केसेस में इन्वॉल्व रहेंगे तो हम बाकी लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैंने तो आप लोगों से हर तरह के व्यूज शेयर कर दिए फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. अब आप बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं, बिकॉज एवरी व्यू मैटर्स. राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. थैंक यू, बाय.